फ्रेंड्स, अभी ये वियतनाम का ट्रेडिशनल रिक्शा है, अभी इसका हम सफ़र करने वाले हैं, तो इसका थ्रू हम जाएंगे और पूरा लोकेशन वगैरह आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम रिक्शा में बोर्ड कर चुके हैं, अभी रिक्शा स्टार्ट हो गया है। तो देखिए दीदी, हमारा पीछे ए नूर आलम भाई और अब्बास भाई दूसरे रिक्शे में है। यहाँ नैरो स्ट्रीट वगैरह है, जो कि यहाँ रिक्शा से जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ओल्ड का बना हुआ था एक टाइम में, ये उसके बाद अमेरिका से बहुत लंबा लड़ाई के बाद इसको स्वाधीनता मिला। मतलब ये कभी पराधीन ही नहीं हुआ था, लेकिन अभी तो फिलहाल ये बहुत डेवलपमेंट में है, ये बहुत आगे जाता हुआ देश है ये वियतनाम। तो ये टोटली एक टूरिस्ट पॉइंट है। देखिए
ये अभी हम सिटी का अंदर था, अभी हम लेक साइड में फिर वापस आ गए हैं। अभी लेक का पूरा साइड से हम लोग पूरा राउंड लगाएंगे, लेक का एक चक्कर लगाएंगे। तो लेक का साइड से पूरा रास्ता बना हुआ है, जैसे अपना नैनीताल में लेक का साइड से है, आपका कश्मीर में जैसे दाल लेक का साइड से रास्ता है, इसी का भी ऐसे सेम। रिक्शा राइड हमारा ख़त्म होने वाला है, तो ये रिक्शा राइड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रिक्शा राइड अगर आप यहाँ हनोई आते हैं तो लेंगे तो पूरा आपका हनोई का जो ओल्ड सिटी का जो है पूरा आपका वो घुमा देगा। और ये आपका पहले तो बहुत ही ज़्यादा पैसा मांगेंगे आपको, दो से मतलब 2 लाख 2.5 लाख ये तब डॉन्ग मांगेंगे, लेकिन आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 150-120 में हो जाता है। तो अपना अभी हमने 2 रिक्शा लिए हैं, तो 2 रिक्शे के लिए हमने 2,40,000 दिए हैं, मतलब 2,40,000 मैंने एक एक रिक्शे का 1,20,000 करके। तो यहाँ थोड़ा बार्गेनिंग करना ज़रूरी है, तो बार्गेनिंग में आया हुआ हूँ हनोई का फेमस जो ट्रेन स्ट्रीट है, तो अभी वहाँ पे आया हुआ हूँ। अभी ट्रेन के बारे में हम लोग पता करेंगे कि कब ट्रेन है, और इसका दोनों तरफ रेस्टोरेंट वगैरह है, तो यहाँ पे बहुत सारा फॉरेन टूरिस्ट रहते हैं, तो ये हनोई का देखने लायक जगहों में से एक है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए।
A train which time come? Let me check. Maybe 11. Maybe 11. Yeah. Maybe. अभी ये मैडम बताया हमको कि 11 बजे आने वाले हैं, अभी बज रहे हैं 10:20, तो चलिए हम लोग थोड़ा इंतज़ार करके देखते हैं, अगर आता है तो ज़रूर हम भी देखेंगे, आप लोग को जितना हो सके दिखाने का कोशिश करेंगे। ट्रेन आए चाहे ना आए, दिन भर में यहाँ टूरिस्ट का आना लगातार जारी रहता है और ये लोग बताते रहते हैं कि ट्रेन इस टाइम को आने वाले हैं, वही टाइम को आने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फेक होता है। ये आपको क्लोज का टाइम बताएंगे, जैसे आप अगर आए 10:30 तो आपको बताएगा कि 11 बजे, आप 11 बजे आए तो आपको बोलेंगे कि 11:30, तब तक आप उनका जो रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप आए तो टाइम लेकर आए। एक्चुअली यहाँ पे ट्रेन का कोई टाइम टेबल का कोई शेड्यूल वगैरह नहीं है। फ्रेंड्स अभी आप देखिएगा ट्रेन स्टेट में जो कि हनोई का अभी ट्रेन आने वाला है, हम लोग वेटिंग में थे, आपको बोला था ना लास्ट में वो ट्रेन आने वाला है, वो ट्रेन आज आ गया है ठीक टाइम में, तो अभी हम ट्रेन के लिए इंतजार में हैं। अभी सामने ट्रेन आ रहा है, अगर पैसेंजर ट्रेन होता तो और भी मज़ा आ जाता है। ये एक मालगाड़ी था जो कि अभी जस्ट गुजरा है, तो चलो अच्छा है, यहाँ बहुत जन आके ट्रेन जाने को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये अपना गुड लक है कि आके मिल गया टाइम से, तो मुझे लगता है आप लोग भी इंजॉय किए होंगे। तो अभी फिर नेक्स्ट ट्रेन अभी बहुत देरी है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो आप लोग देखते रहिए और एंजॉय। तो फ्रेंड आज ये हनोई का ट्रेन स्टेट का सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से हमको बूस्ट मिलेगा। तो तब तक के लिए आज इतना ही, गुड नाइट।